स्वाभिमान का बिगुल बजा दो, स्वाभिमान का बिगुल बजा दो, जाग उठी तरुणाई है। स्वाभिमान का बिगुल बजा दो, जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, भ्रष्टाचार मिटाने को, भ्रष्टाचार मिटाने को। बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, सत्ता से टकराने को, सत्ता से टकराने को। आज देश में कौन रचाता, आज देश में कौन रचाता, मौत के संग सगाई है। आज देश में कौन रचाता, मौत के संग सगाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या रोक सकी तूफानों को, क्या रोक सकी तूफानों को। क्या बंदूकें रोक सकेगी बढ़ते हुए जवानों को, बढ़ते हुए जवानों को, बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई वो शक्ति, चूर हो गई वो शक्ति जो हमसे टकराई है। चूर चूर हो गई वो शक्ति जो हमसे टकराई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। सावधान पद या पैसे से होना तुम गुमराह नहीं, ना होना गुमराह कभी, ना होना गुमराह कभी। सीने पर गोली खा कर भी निकले मुंह से आह नहीं, निकले मुंह से आह नहीं, निकले मुंह से आह नहीं। ऐसे वीर शहीदों ने ही, ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है। ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आज की सभा में उपस्थित हिसार के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, आज इस सभा में उपस्थित हिसार कृषि विश्वविद्यालय के परम सम्माननीय वाइस चांसलर श्री डॉक्टर के एस खोखर जी, उनके सहयोगी डॉक्टर एस एस पाहुजा जी, मेरे भारत स्वाभिमान के सहयोगी भाई ईश जी, मेरे भारत स्वाभिमान के सहयोगी भाई मदन जी,
हमारे भारत स्वाभिमान के सम्माननीय संरक्षक महोदय श्री सुभाष जी, अन्य सभी पदाधिकारी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने ये सुंदर व्यवस्था की है और मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिला है। मैं भारत स्वाभिमान के विषय में और आज के हमारे भारत की व्यवस्थाओं की जो समस्याएं हैं उस संदर्भ में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। भारत स्वाभिमान नाम का अभियान परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने 5 जनवरी 2009 से शुरू किया। इस अभियान में सारे देश में मेरे जैसे करीब 2,40,000 योग शिक्षक तन मन धन से लगे हुए हैं और अगले 4 से 5 वर्षों में 11 लाख से ज्यादा योग शिक्षक तन मन धन से इस अभियान में लग जाएंगे, इसकी पूरी कोशिश और तैयारी चल रही है। आपके जैसे 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम भारत स्वाभिमान का सदस्य बनाएंगे अगले 4 वर्षों में, इसका हमारा संकल्प है। और भारत के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का आशीर्वाद इस अभियान में हमें मिलेगा, ऐसा हमारा संकल्प है। आपके मन में सवाल आएगा कि इतना बड़ा संगठन बनाने की जरूरत क्या, जब हमें आजादी नहीं मिली थी 1947 के पहले अंग्रेजों का शासन था, उस समय कोई बहुत बड़ा संगठन बनाना और फिर देश की आजादी की लड़ाई लड़ना वो तो समझ में आता है, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में चलती थी और उन अंग्रेजों को मार के भगाना था तो बहुत बड़ा संगठन चाहिए था। इसलिए आजादी के पहले महात्मा गांधी ने जो संगठन बनाया था उसमें 1,24,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ता थे। आजादी के बाद इतना बड़ा संगठन बनाना जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा सदस्य हों और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का सहयोग और समर्थन हो, इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम ये कर रहे हैं, क्या जरूरत है, उद्देश्य हमारा क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है, इन सब प्रश्नों पर मैं आपसे संवाद करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे जो बात कहूं वो ये कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने तो मूल रूप से योग और प्राणायाम का अभियान शुरू किया और वो अभियान सारे देश में और दुनिया में चल पड़ा। इस योग और प्राणायाम को अभियान करने के पीछे भी एक गंभीर कारण है। कारण ये है कि भारत आजाद हो गया, 63 साल आजादी के हो गए, लेकिन अभी भी हमारे देश में चिकित्सा की सुविधाएं सब व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। हमारे देश की सरकार का एक मंत्रालय है जिसका नाम है परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। ये स्वास्थ्य मंत्रालय हर साल भारत देश की परिस्थिति जो चिकित्सा की है उसके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पिछली बार की इनकी जो रिपोर्ट आई 2008 में वो मैंने पढ़ी, तो उस रिपोर्ट से पता चला कि सारे देश में करीब 115 करोड़ लोगों की जनसंख्या है और 77 करोड़ लोग गंभीर रोगों के शिकार हैं। हमारी भारत सरकार का कहना है कि बहुत गंभीर बीमारियों के शिकार 77 करोड़ लोग हैं, छोटी मोटी बीमारियों की तो वो गिनती ही नहीं करते। गंभीर बीमारियां कैसी, जैसे 5 करोड़ भारतवासियों को इस समय डायबिटीज है और सरकार का ये कहना है कि अगले 4-5 वर्षों में और 5 करोड़ लोगों को हो जाएगी। ये इतने लोगों को डायबिटीज हो गई है हमारे देश में जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बीमारी तो सामान्य रूप से यूरोप और अमेरिका के लोगों को होती है, लेकिन अब भारत में भी बहुत तेजी से फैल रही है। और इस बीमारी के बारे में सबसे खराब सत्य है वो ये कि इसका इलाज नहीं है। जिंदगी भर आप इंसुलिन खाते रहिए और इंसुलिन खाते खाते अपनी दोनों किडनी गंवाते रहिए, लीवर खराब कराते रहिए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि ये डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है। एक खराब शब्द से इस डायबिटीज को आजकल संबोधित किया जाता है, साइलेंट किलर, चुपचाप मार देने वाली बीमारी। इस बीमारी की एक ऐसी खास विशेषता है वो ये कि अगर ये किसी व्यक्ति को हो गई तो उसको जब कोई दूसरी बीमारी होगी तो पता ही नहीं चलेगा।
मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ, मेरे साथ हुई। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, बेंगलोर से दिल्ली आ रहा था, और मेरे साथ मेरा एक मित्र था, उसको डायबिटीज थी। हम दोनों साथ में बेंगलोर स्टेशन पे चढ़े। मेरी बर्थ नीचे की थी, लोअर बर्थ थी और उसकी अपर बर्थ थी। वो ऊपर बर्थ पे जाके सो गया, मैं नीचे सो गया। रात को 2:30-3 बजे के आसपास मैं एक बार उठा पेशाबादी के लिए और जाके फिर वापस सो गया। और दोबारा जब मैं सोया जाकर और सवेरे उठा तो मेरे मित्र को मैंने उठाया, उसको हिलाया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पूरा का पूरा नीचे आके गिर गया। और मैंने देखा कि वो मर चुका था। उसको हमने तुरंत स्टेशन पे उतारा, उतार के ले गए नजदीक के हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है सवेरे 2:30-3 बजे के बीच में। कारण डेथ का उन्होंने कहा इसको भयंकर हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट। तो मैंने कहा भैया कार्डियक अरेस्ट हुआ तो ये कुछ बोलता चिल्लाता चीखता ऐसे ही हो गया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, डायबिटीज के पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी होता है तो उसको थोड़ा भी दर्द नहीं होता, वो चुपचाप मर जाता है, बता भी नहीं सकता। इतनी खतरनाक बीमारी है ये डायबिटीज। और दुर्भाग्य ये है कि इसका इलाज नहीं है। इसको मैनेज किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, इसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही हमारे देश में 4.5 करोड़ लोगों को हृदय की बीमारियां हैं, और इन 4.5 करोड़ लोगों को अक्सर हार्ट अटैक आते रहते हैं, और लाखों लोग साल भर में मरते रहते हैं। हार्ट अटैक के बारे में हमारे देश में जो ट्रीटमेंट है वो ये कि एंजियोप्लास्टी या तो कराया जाए, आपका ऑपरेशन बाईपास सर्जरी कराई जाए, ओपन हार्ट सर्जरी कराई जाए, और ये तीनों ही ऑपरेशन परमानेंट क्योर नहीं है। एंजियोप्लास्टी में तो मैंने देखा है कि सवेरे किसी की एंजियोप्लास्टी हुई हो और शाम को दोबारा अटैक आ गया। होता क्या है एंजियोप्लास्टी में, आपके हृदय को खून देने वाली या आपके हृदय से खून लेकर शरीर में लाने वाली जो वाहिकाएं हैं, इनमें कहीं अवरोध आ जाता है, और उस अवरोध को मिटाने के लिए एक स्प्रिंग डाल देते हैं जिसको वो स्टंट कहते हैं। वो स्प्रिंग वैसी ही होती है जैसे बॉल पेन में स्प्रिंग आपने देखी होगी। ये स्प्रिंग को डाला जाता है तो ये तो छोटी सी होती है, तो जहां ये डाली गई है उतने बीच का अवरोध तो हटा देती है, लेकिन उसके आगे और पीछे अवरोध आ जाता है और फिर अटैक हो जाता है। माने वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। बाईपास सर्जरी करें तो उसमें क्या है कि जो वाहिका है उसके पैरेलल एक दूसरी वाहिका लगा देते हैं, लेकिन अगर आपके खून में अवरोध बनाने की टेंडेंसी है तो दोबारा फिर अटैक आएगा आपको, इसलिए ये भी इलाज नहीं। और एक गंभीर बीमारी हमारे देश में है इस समय, लोगों को 12 करोड़ लोगों को आंखों के रोग हैं, और आंखों से दिखता नहीं है, बिल्कुल कम दिखता है, रात में नहीं दिखता है, अंतर पता नहीं कर सकते हैं, और इनके लिए भी मुश्किल से ही कोई इलाज मिल पाता है। फिर 17 करोड़ लोगों को घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधों का दर्द है, जिसमें आपको पेन किलर दे देते हैं, दर्द निवारक औषधि दे देते हैं, जब तक आप खाते रहिए तब तक दर्द दवा रहेगा, जैसे ही औषधि बंद की दर्द फिर शुरू हो जाता है, उसमें इलाज नहीं है। करीब करीब 14 करोड़ लोगों को दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है इस देश में, और वो भी बड़ी बुरी स्थिति में है, उसमें भी क्योर जैसी स्थिति नहीं। 20 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों को हाइपरटेंशन है, माने ब्लड प्रेशर हाई है उनका, और उनको डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी भर दवा खाओ। अरे जिंदगी भर तो भोजन किया जाता है, दवाएं थोड़ी खाई जाती है, लेकिन जिंदगी भर दवा खाने का माने चिकित्सा नहीं है उसकी आपके पास। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाइपोटेंशन है, माने लो ब्लड प्रेशर है, और ऐसी लंबी लिस्ट है भारत सरकार की। इसमें सबसे खराब जो मुझे कहना है वो ये, 8 करोड़ लोगों को कैंसर है, और इनमें से 24 लाख लोग हर साल मर जाते हैं इस देश में, और आप जानते हैं कैंसर का कोई इलाज नहीं है हमारे देश में। तो ऐसी गंभीर बीमारियों में देश के 77 करोड़ लोग फंसे हुए हैं।
और इनके इलाज की पूरी सुविधा और व्यवस्था नहीं है। हमारे देश की सरकार को एक बार मैंने प्रश्न किया था कि ये 77 करोड़ लोगों का इलाज करने के लिए सरकार की व्यवस्था क्या है, तो पता चला केंद्र सरकार और भारत के 33 राज्यों की राज्य सरकार, इन 33 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है चंडीगढ़ जैसे, तो 33 राज्यों की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर 25 लाख चिकित्सक अभी तक तैयार किए हैं, जो बहुत ही अपर्याप्त है, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। अगर 25 लाख चिकित्सक ईमानदारी से एक दिन में 100 मरीजों को देखें, तो 2.5 से 3 करोड़ का ही इलाज कर सकते हैं, और बीमार 77 करोड़। और एक गंभीर हमारे देश में समस्या है, वो ये कि इलाज करने का खर्चा बहुत अधिक होता जा रहा है, दवाएं बहुत महंगी होती जा रही है। मैं तो इस काम में लगा हूं पिछले कई वर्षों से, तो बाजार में अक्सर मैं सर्वेक्षण करता रहता हूं। 1991 के पहले हमारे देश में जो दवाएं 50 पैसे में उपलब्ध थी बाजार में, आज उनकी कीमत 50 रुपए से अधिक हो चुकी है। कैंसर जैसे मर्ज का इलाज करने में 1991 से पहले जो 10-15 हजार रुपए से 30-35 हजार का खर्च होता था, आज उस कैंसर की दवाओं का खर्चा 1.5-2 लाख रुपए तक पहुंच गया है। दवाएं बहुत महंगी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, एंजियोप्लास्टी होती है जिसमें स्टंट आपके शरीर में डाला जाता है, वो स्टंट का खर्चा बनाने का मात्र 10 रुपए आता है, लेकिन जब ऑपरेशन के साथ आपको वो डाला जाता है तो बिल 1.5-2 लाख रुपए से 2.5-3 लाख कुछ भी हो सकता है। कई चिकित्सालयों में तो मैंने देखा है कि डॉक्टर बार्गेन करते हैं, बेंगलोर में, दिल्ली में, मद्रास में, हैदराबाद, सिकंदराबाद में जब हम जाते हैं किसी मरीज को लेकर, तो डॉक्टर कहते हैं जी 2.5 लाख लगेगा, तो कहते भैया मरीज को ले जा रहे हैं किसी दूसरी जगह, फिर कहते नहीं नहीं 2 लाख में हो जाएगा, फिर कहते नहीं नहीं 1.5 लाख में हो जाएगा, और घिसते घिसाते 70-75 हजार पे ऑपरेशन कर देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे गाजर मूली खरीद रहे हैं हम वहां जाके, मोल भाव होता है। और कई हॉस्पिटल्स ने पैकेज देना शुरू किया है, एक पर एक फ्री ले लो, ये ऑपरेशन करा लो तो ये फ्री कर देंगे, और ये करा लो तो ये फ्री कर देंगे, 2 मरीज ले आओ तो आपको फ्री कर देंगे, 3 ले आओ तो 2 को फ्री कर देंगे। मैंने मजाक बना दिया है पूरी चिकित्सा व्यवस्था को। ऐसी स्थिति है इस देश में। हमारे देश में एक पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में एक बड़ा काम किया था जिसके लिए मैं हमेशा उनकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर लगाकर एक सर्वे कराया था कि भारत में कितने लोग हैं जो दवा खरीद कर इलाज करा सकते हैं। तो पता चला कि पूरी आबादी का मात्र 33% लोग हैं जो सिर्फ दवा का खरीद कर इलाज करा सकते। 115 करोड़ की आबादी में सिर्फ 33% लोग इलाज करा सकते हैं, बाकी का सब भगवान भरोसे है। और क्यों भगवान भरोसे है? तब पहली बार एक सत्य उद्घाटित हुआ इस देश में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कारण वो सत्य पता चला देश को। 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 20 रुपए से कम है, इसलिए वो तो इलाज करा ही नहीं सकते। 50 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 10 रुपए से कम है, उनकी तो संभावना नहीं है दूर दूर तक। 25 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 5 रुपए से कम है, वो तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे इलाज कराने का, इतनी गरीबी। तो गरीबी बहुत ज्यादा, दवाएं बहुत महंगी, चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त, इन सब कारणों से हमारे देश में बड़ी बुरी दुर्दशा है। इस दुर्दशा का क्या समाधान है? तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इसका एक रास्ता निकाला, क्योंकि हम भारत के लोग सारी दुनिया में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम एक विशेष सभ्यता है, यूनिक सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में। ये मैंने दुनिया की किसी दूसरी सभ्यता में ये नहीं पढ़ा और ये नहीं सुना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी सभ्यता में ये नहीं।
भारत अकेला देश है जो सारी दुनिया में ये बात कहता है, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हों, किसी को कोई दुख ना हो। तो एक तरफ हमारी महान परंपरा सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, और दूसरी तरफ इस देश की वर्तमान दुर्दशा चिकित्सा की, जिसमें किसी को इलाज कराने के लिए पैसा ही ना हो, तो दोनों का कैसे समन्वय करें। तो एक बीच का रास्ता निकाला स्वामी जी ने, वो ये कि भारत के हर व्यक्ति को खुद अपनी चिकित्सा करने के लिए तैयार किया जाए, और वो भी बिना किसी शुल्क के और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दुष्परिणाम के। वही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आप बोलेंगे जी क्या सरकार सबका उपाय नहीं कर पाएगी चिकित्सा का। एक बार मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को ये पूछा था कि भारत के सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए कितना समय लगेगा, तो सरकार के मंत्रालय से उत्तर आया कि भारत के सभी नागरिकों को सब तरह की चिकित्सा सुविधाएं देने में 350 साल लगेंगे। तो मेरे समझ में बात नहीं आई, मैंने दोबारा पूछा मंत्रालय को कि ये क्या मतलब है जो आपने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए बात सीधी सी ये है कि 63 साल आजादी के बाद हमने 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है, तब जाकर 25 लाख डॉक्टर बने हैं, और 63 साल में हम 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो और 25 लाख डॉक्टर बनेंगे, फिर और 63 साल में और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो और 25 लाख चिकित्सक हो जाएंगे, तो 350 साल में कुल इतने चिकित्सक हो जाएंगे कि हर व्यक्ति का इलाज हो सके। लेकिन नीचे एक वाक्य लिखा हुआ था बोल्ड लेटर्स में, उन्होंने कहा इसमें शर्त ये है कि अगले 350 साल तक एक भी बच्चा पैदा ना हो इस देश में। मतलब क्या है? मतलब यह है कि 350 साल तक देश की आबादी ना बढ़े, जिस गति में आज हम बढ़ रहे हैं ये रुक जाए पूरा, उसके बाद सरकार युद्ध स्तर पर लगे, तब 350 साल में सबका इलाज हो जाए। अब ये तो संभव है नहीं कि देश की आबादी ना बढ़े। अगर 350 साल हमारी आबादी नहीं बढ़ी तो बहुत बड़ा खतरा है इस देश की सभ्यता को। दुनिया में ऐसा तो कोई देश नहीं कर सकता। मैंने तो देखा यूरोप में कई देश हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे, वो तो रात दिन आबादी बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, सेंट्रल यूरोप के कई देशों में ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए इनाम मिलता। हाँ, आपका एक बच्चा है और आप किसी ऑफिस में क्लर्क हैं, दो हो जाए तो आप सीधे सुपरिंटेंडेंट हो जाएंगे ऑफिस के, और तीन बच्चे हो गए तो सेक्शन ऑफिसर हो जाए, चार हो गए तो पता चला डायरेक्टर हो गए उस ऑफिस के। आप जितने ज्यादा बच्चे उतना बड़ा प्रमोशन और कैश इंसेंटिव अलग से, हजारों यूरो डॉलर में कैश इंसेंटिव देते हैं अगर ज्यादा बच्चे पैदा हो आपके, क्योंकि उनकी आबादी स्थिर हो गई है, देश के खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया है, वो खतरा हम नहीं ले सकते इस देश में एक भी बच्चे पैदा ना हो। तो इसका मतलब है सरकार के भरोसे तो सबका इलाज हो नहीं पाएगा। तब एक ही रास्ता है कि लोगों को उनका इलाज करने के लिए प्रेरित किया जाए, और इस इलाज के लिए उनको कुछ ऐसी विद्या सिखाई जाए जिस विद्या का उपयोग करके वो अपने जीवन की बीमारियों को दूर कर लें, परिवार की बीमारियों को दूर कर लें, पड़ोसियों की बीमारियों को दूर कर लें। इसी विद्या का नाम है योग और प्राणायाम, और इसी अभियान का नाम है सर्वे भवंतु सुखिनः वाला योग प्राणायाम का, जो परम पूजनीय स्वामी जी ने शुरू कर रखा है। एक ही दृष्टि है उसके पीछे कि सभी लोग स्वस्थ हों। परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं बीमारी से कोई ना मरे इस देश में, तो कैसे संभव है? हर व्यक्ति योग करे, प्राणायाम करे, बीमारियों को ठीक करे। इस योग और प्राणायाम की विद्या में ये ताकत है कि हर बीमारी को आप खुद से ठीक कर सकते। पिछले कई वर्षों में मैंने देखा कि हजारों लाखों लोग, अब तो करोड़ों में है वो, जिन्होंने अपने 20-20 साल के ब्लड प्रेशर को ठीक किया मात्र 3 महीने के प्राणायाम से। मैंने ऐसे हजारों लाखों लोगों को देखा जिन्होंने अपनी शुगर को ठीक किया मात्र 2-2.5 महीने के प्राणायाम से। मैंने ऐसे लाखों लाखों लोगों को देखा जिन्होंने अपना माइग्रेन ठीक किया
दमा ठीक किया, अस्थमा ठीक किया, ब्रोंकियल अस्थमा ठीक किया, ट्यूबरकुलोसिस ठीक किया, ढाई तीन चार महीने के प्राणायाम से। माताओं बहनों को मैंने देखा जिनकी गर्भाशय में 250-250 ग्राम की गांठ थी, ट्यूमर था, उन्होंने वो ट्यूमर गला दिया 6-7 महीने के प्राणायाम से। जिन माताओं के लिए डॉक्टरों ने लिख के दे दिया था कि या तो आप ऑपरेशन कराओ, आपका यूट्रस हटा दो, नहीं तो मरने की तैयारी रखो, उन माताओं ने ऑपरेशन नहीं कराया, प्राणायाम किया, और आज उन डॉक्टरों को लिखना पड़ा कि अब आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ट्यूमर डिसॉल्व हो गया है, गल गया। मैंने देखा हजारों लोगों को जिनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ है, जिसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती है। ऐसा ब्रेन ट्यूमर जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हम इसको टच भी नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर के पैरालाइज्ड हो जाने की संभावना है अगर ऑपरेट करने के लिए हमने ये ब्रेन को खोला, ऐसे ट्यूमर को मैंने देखा 6-7 महीने में पूरा खत्म हुआ, गल गया। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को तो मैंने देखा है इतनी आसानी से ठीक हो रही है योग और प्राणायाम से कि डॉक्टर खुद हैरान है, परेशान है, और अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये तो कोई चमत्कार है। मैं पिछले एक वर्ष से हरिद्वार में रहता हूँ, जब खाली समय मिलता है तो बीमार मरीजों के रिकॉर्ड्स देखता रहता हूँ, और मैंने देखा है पिछले एक वर्ष में कैंसर के हजारों मरीज आए हरिद्वार और ठीक होकर वापस गए। ऐसे मरीजों को ठीक होते देखा जो टाटा इंस्टीट्यूट से रिजेक्ट होके आए थे और उनके डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तो 15 दिन की जिंदगी है, घर जाके भगवान का भजन करो। वो 15 दिन की जिंदगी वाले भटकते हुए हरिद्वार पहुंच गए और अब जीवित है, साल भर से ज्यादा हो गया है, दूर दूर तक मरने की संभावना नहीं दिखती उनकी। इसका माने इस योग और प्राणायाम की विद्या में ताकत तो है, और भारत की हर उस विद्या में ताकत है जो हजारों साल पुरानी है। भारत में कोई विद्या तभी चलती है जब उसमें ताकत होती है, नहीं तो वो विद्या डूब जाती है। महर्षि पतंजलि के समय से चली आ रही ये विद्या अभी तक अक्षुण है, जीवित है। ये अलग बात है कि परम पूजनीय स्वामी जी ने इसको घर घर पहुंचाया, विद्या तो पुरानी है हजारों साल की। ये विद्या के जीवित रहने का ही मतलब है कि इसमें ताकत है, जो चीज में ताकत नहीं होती है वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहती है। सालों साल से ये विद्या चली आई है, और अंग्रेजों के गुलामी के समय में जब अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाई इस विद्या को खत्म करने की, तो भी ये विद्या जीवित रह गई। इसका माने इसकी इनर स्ट्रेंथ कुछ है, और वो इनर स्ट्रेंथ को हम अगर पहचान लें तो हम भी हमारी सब बीमारियों का इलाज खुद कर सकते हैं। हमें डॉक्टर मिले ना मिले, दवा खा पाए ना खा पाए, कोई भी कारण हो कि हम दवा नहीं खा सकते, एक कारण है कि हमको साइड इफेक्ट बहुत होते हो, दूसरा कारण है हमारे पास पैसे ना हो, तीसरा कोई और भी कारण हो सकता है, आप दवा खा पाए ना खा पाए, डॉक्टर आपको मिले ना मिले, सुविधा मिले ना मिले, आप किसी छोटे से स्थान पर बैठकर सांस को लेना और छोड़ना जिसका एक सतत नियम है वो करना शुरू कर दीजिए, आप खुद चमत्कार देखेंगे अपनी बीमारियों को ठीक होते हुए, अपनी परेशानियों को ठीक होते हुए। तो यही एक रास्ता हमको तो दिखता है कि भारत के हर व्यक्ति को स्वस्थ बना दे, निरोगी बना दे, तभी सर्वे भवन्तु सुखिने की बात कह पाएंगे। तो हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए, फिर वो व्यक्ति इस विद्या को परिवार के लोगों को सिखाए, परिवार के लोग स्वस्थ हो जाए, फिर पड़ोसियों को सिखाए, मोहल्ले के लोग स्वस्थ हो जाए, फिर गांव पूरा स्वस्थ हो जाए, शहर स्वस्थ हो जाए और देश स्वस्थ हो जाए, तो एक बड़ी क्रांति इस देश में होती है। और उस क्रांति की तरफ बढ़ता हुआ ये अभियान है योग और प्राणायाम का। मैं तो आपसे एक प्रार्थना करने आया, वो ये कि इस हिसार में हमारे योग प्राणायाम की नियमित कक्षाएं चलती हैं, और इन कक्षाओं में आप कभी भी आ सकते हैं। बहनों की अलग कक्षाएं हैं, भाइयों की अलग कक्षाएं, आप आइए और इन कक्षाओं में जुड़ जाइए और इस विद्या को सीख लीजिए, दूसरों को सिखा दीजिए। मैं अंतिम बात इसके बारे में जो कहना चाहता हूं वो ये कि भारत में जीवन का अंतिम उद्देश्य माना जाता है मोक्ष की प्राप्ति। हमारे देश में आप कोई भी वेद पढ़ो, कोई उपनिषद पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो या पुराने कोई भी शास्त्र पढ़ो, हर जगह लिखा हुआ है जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति।
और मोक्ष मिलना बहुत सरल है इस देश में। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो तरीका बताया गया है शास्त्रों में, बड़ा अद्भुत है, बहुत सरल है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर उस व्यक्ति को मोक्ष हो सकता है जो अपने जीवन के दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करे। ऐसा माना गया है हमारे देश में कि तीन तरह के दुख हैं जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब दैहिक दुख है। दैविक दुख माने भगवान का दिया हुआ दुख, धरती फट गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये सब दैविक दुख है। और भौतिक दुख माने गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है। तो तीन तरह के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों दुखों को जो व्यक्ति अपने जीवन से मिटा दे और दूसरों के जीवन से इन्हीं दुखों को मिटाने का काम करे तो उसी व्यक्ति को मोक्ष होता है, ये शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया। माने कोई अगर हमको ये कहे कि मेरे चेले हो जाओ, मेरे शिष्य हो जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष करा दूंगा, इससे बड़ा पाखंड कुछ नहीं। कोई कहे कमंडल लेके हिमालय में चले जाओ और मोक्ष हो जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो ना तो हिमालय में जाने से मोक्ष होगा और ना किसी गुरु के चेला बनने से मोक्ष होगा। मोक्ष होने का रास्ता है कि आप अपने जीवन के दुखों को दूर करिए और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए रात दिन प्रयास करिए, तो पक्का है कि आपको मोक्ष हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि मुझे मोक्ष हो जाए और इसलिए हिसार आया। मुझे अगला जन्म नहीं लेना है, ये मेरा आखिरी जन्म हो, दोबारा जन्म लेना ना पड़े, क्योंकि बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है जन्म लेने। तो बार बार के जन्म मरण के बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं मोक्ष चाहता हूँ। लेकिन मेरा मोक्ष आप पर निर्भर है, आपको अगर मोक्ष हुआ तभी मुझे होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। तो मैं चाहता हूँ पहले आप सब मोक्ष चले, पीछे पीछे मैं भी आ जाऊं आपके, और आप मोक्ष जाएं तो उसका तरीका मैंने बताया कि आप अपने दुख दूर कर लो, दैहिक, दैविक, भौतिक, और दूसरों के दुख दूर कराने के लिए इस योग प्राणायाम की विद्या का प्रचार कर दो, तो आपका मोक्ष पक्का, मेरा भी धीरे पीछे से पक्का। तो आप मोक्ष चलो, पीछे से मैं भी आ जाऊं और स्वर्ग में लगाएंगे अपनी कक्षाएं योग की और देवताओं को सिखाएंगे सबको को, और करेंगे क्या वहां जाके, क्योंकि कहा गया है कि स्वर्ग में कोई काम ही नहीं है करने के लिए सवेरे से शाम तक। तो एक ही काम करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, साधना करेंगे, धुनी रमाएंगे, गहरे मेडिटेशन में उतर जाएंगे। तो ये बात मैंने मजाक में कही है, लेकिन गंभीर बात है कि आप इसको सीख लो, सीख कर दूसरों को सिखा दो, हमारी कक्षाओं में आ जाओ, क्योंकि कक्षाएं सब निशुल्क चलती हैं, एक पैसा कोई आपसे नहीं लेगा, और इस विद्या को प्रसारित प्रचारित करने में लग जाओ तो मुझे लगता है कि स्वामी जी का सपना जरूर साकार हो जाएगा और सर्वे भवन्तु सुखिने की जो भावना है भारत की, वो सारी दुनिया के सामने सार्थक हो जाएगी। अब दूसरी बात मुझे कहनी है कि ये तो एक अभियान है योग और प्राणायाम का, जो परम पूजनीय स्वामी जी ने शुरू किया। इसके साथ एक दूसरा अभियान शुरू किया है, उसका नाम है भारत स्वाभिमान। ये भारत स्वाभिमान का अभियान क्या है? ये अभियान है, योग प्राणायाम का अभियान है, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। तो भारत स्वाभिमान का अभियान है कि हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ हो, देश भी स्वस्थ हो। अगर हम स्वस्थ हो गए और हमारा देश बीमार है तो बात बनेगी नहीं, अधूरी रहेगी। ये कुछ ऐसी कहानी है कि हमने हमारा घर साफ कर लिया और घर के बाहर कीचड़ भरा पड़ा है, घर साफ कर लिया, घर के बाहर कूड़ा करकट भरा पड़ा है, तो कितने दिन आप अपने घर में रह सकते हैं शांति से और स्वस्थता से? नहीं रह पाएंगे। हम ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, लेकिन देश बीमार का ही बीमार रहा, तो कैसे संभव है कि हम ज्यादा दिन स्वस्थ रह पाए? तो देश भी स्वस्थ हो, हम भी स्वस्थ हो, नागरिक भी देश के निरोगी हो और देश भी निरोगी हो। तो देश को निरोगी बनाने के लिए अभियान है भारत स्वाभिमान का। आप बोलेंगे देश को क्या बीमारी है? एक दिन मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से, मैंने लोगों के बीमारियों की सूची बनाई,
सर्दी खांसी जुकाम बुखार दमा अस्थमा सब लिखता गया लिखता गया लिखता गया। 148 रोगों के बाद वो सूची बंद हो गई। मतलब मनुष्यों को कुल बीमारियां 148 है, आखिरी बीमारी कैंसर है, उसके बाद कोई बीमारी नहीं है। इसमें मैंने HIV एड्स को भी जोड़ लिया। तो मनुष्य जीवन की तो 148 बीमारियां हैं, वो तो अंतिम सूची बन गई, लेकिन देश की बीमारियों की सूची मैंने बनाना शुरू किया, वो अभी तक बन रही है। और रोज उसमें एक नई बीमारी जुड़ रही है। अभी 2-4 दिन से एक नई बीमारी इस देश को हो गई है कि मुंबई में मराठी रहेंगे कि गैर मराठी रहेंगे, मुंबई में हिंदी भाषी रहेंगे कि गैर हिंदी भाषी रहेंगे। और तलवारें खींच रखी हैं कुछ पार्टियों ने कि रहने ही नहीं देंगे इस मुंबई में जो मराठी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुंबई मराठियों की है, मुंबई हमारी है। ये एक नई बीमारी शुरू हो गई इस देश में। कल को कोई कहेगा बेंगलोर में हम रहने ही नहीं देंगे, ये कन्नड़ लोगों की है, कर्नाटक की है। फिर कोई कहेगा मद्रास में रहने नहीं देंगे, ये तो तमिल लोगों का है और तमिलियों की है। फिर कोई कहेगा पांडिचेरी में रहने ही नहीं देंगे। ऐसी बीमारी सारे देश में फैलती जाएगी, नई नई बीमारियां। इसलिए बीमारियों की देश में कोई कमी नहीं है। फिर भी हमने क्या किया कि जो सबसे गंभीर बीमारियां देश में हैं, जिनको हम मानते हैं कि इनको तुरंत हल होना चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों के रहते देश के अस्तित्व को संकट खड़ा हो गया है, ऐसी बीमारियों की सूची बनाई। एक अच्छा डॉक्टर जो होता है ना, वो आपकी बीमारियों के बारे में जब बात करता है ना, तो सबसे बड़ी बीमारी को पकड़ता है शरीर की, और उसको ठीक कर ले तो बाकी छोटी मोटी बीमारियां तो ठीक हो ही जाती हैं। तो देश की सबसे बड़ी बीमारियों को जब हमने पकड़ने की कोशिश की, तो उसमें पहले नंबर पर है गरीबी, बहुत भयंकर बीमारी है इस देश में। फिर दूसरी है बेरोजगारी, बहुत भयंकर बीमारी है। फिर तीसरी है महंगाई, फिर चौथी है भूखमरी, फिर पांचवा है भ्रष्टाचार, और ऐसी सूची बनती चली गई। गरीबी के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि भारत में 115 करोड़ लोग, मैंने कहा आपसे थोड़ी देर पहले 84 करोड़ भयंकर गरीब। गरीबी के बारे में सारी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक विशेष अभियान चला रखा है, गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ। तो उस अभियान के तहत हर साल वो सूची बनाते हैं, सबसे दरिद्र देशों की सूची, सबसे गरीब देशों की सूची, महादरिद्र देशों की सूची। तो 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने महादरिद्र देशों की जो सूची बनाई, उसमें 88 देश हैं और भारत का नंबर उसमें 70वां है। माने भारत से ज्यादा गरीब देश सिर्फ 18 हैं, हमसे भी कम गरीब देशों में नंबर है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, हमसे भी कम गरीब देशों में नंबर है हैती का, जहां अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया, वो हैती हमसे कम गरीब देश है। आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत उससे भी ज्यादा गरीब है। हमारे देश में और दुनिया में सबसे अमीर देशों की भी सूची बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ वाले। तो हर साल मैं ढूंढता रहता हूं कि भारत का नंबर कहीं आ रहा है क्या, नहीं आता। सबसे अमीर देशों में हमेशा एक देश का नाम रहता है स्विट्जरलैंड, और सबसे गरीब देशों में नाम रहता है भारत का। ये स्विट्जरलैंड देश ऐसा है दुनिया में जो कुछ उत्पादन नहीं करता, फिर भी सबसे अमीर है। ये स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसमें कुछ व्यापार नहीं होता, फिर भी सबसे अमीर है। ये स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां कुछ खेती नहीं होती, फिर भी सबसे अमीर है। ना उनके यहाँ उद्योग है, ना उनके यहाँ व्यापार है, ना उनके यहाँ खेती बाड़ी होती है, और फिर भी सबसे अमीर है। विचित्र है, असामान्य बात है ये तो। स्विट्जरलैंड की खेती के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है, और जिन खेतों में बर्फ जमा हो जाती है वहां घास का तिनका भी नहीं उगता, तो खेती नहीं होती। फिर पता चला कि उनके यहाँ उद्योग इसलिए नहीं है कि खेती नहीं होती, क्योंकि जिस देश में खेत नहीं होते, खेती नहीं होती, वहां कच्चा माल नहीं होता, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उद्योग नहीं चलेंगे। फिर जहां उद्योग नहीं होंगे और खेती भी नहीं होगी, वहां व्यापार किसका होगा,
वो खरीदेंगे क्या और बेचेंगे क्या, तो व्यापार भी कुछ खास नहीं है। बहुत साल पहले मैंने सुना था स्विट्जरलैंड में एक फैक्ट्री चला करती थी घड़ी बनाने वाली, राडो, वो भी अभी बंद हो गई थोड़े दिन से। राडो के अधिकारियों को एक बार मैंने ईमेल किया था कि भैया आपकी घड़ी तो बड़ी क्वालिटी वाली थी, स्विस वॉच करके सारी दुनिया में बिकती थी, अब क्यों बंद हो गई। तो उनका भला हो चाइना का, उन्होंने इतनी सस्ती घड़ियां बना के बाजार में डाल दी है कि अब हमारी कोई खरीदता ही नहीं। उस राडो के अधिकारी ने मुझे उत्तर दिया था कि चाइना की घड़ी हमारे देश में किलो के भाव में मिलती है, 1 किलो खरीद लो, 2 किलो खरीद लो। मैं पूछा कितने की, उसने कहा 1 यूरो डॉलर की। 1 यूरो डॉलर माने 56-60 रुपया, उसमें 1 किलो घड़ी मिलती है। राडो कंपनी बंद हो गई। चीन ने ऐसी डंपिंग की है दुनिया के कई देशों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो अब वो भी बंद हो गया। अब तो कुछ उद्योग है ही नहीं, व्यापार कुछ है नहीं और खेती होती नहीं, फिर वो देश सबसे अमीर है। और हमारे भारत में दुनिया की सबसे अच्छी खेती होती है, जो खेती दुनिया में कहीं नहीं होती वो यहाँ होती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 फसल होती है, भारत में 4 फसल होती है। और एक बार मैंने सूची बनाई थी भारत के गांवों में क्या क्या होता है। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको भारत की समझ देने में बड़ी मदद करेगी। एक बार एक जर्मन प्रोफेसर से मेरा झगड़ा हुआ था, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा एक जर्मनी के प्रोफेसर से झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का, वो प्रोफेसर बार बार गाना गा रहा था, मेरा देश बहुत महान, मेरा देश बहुत महान, मेरा देश बहुत महान, मैं रक्त शुद्ध आर्य, मैं रक्त शुद्ध आर्य। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने कहा मेरा भी देश महान। कहने लगा तुम्हारा देश कैसे महान, मैंने कहा तुम्हारा देश कैसे महान, जर्मनी जरा बताओ। तो झगड़ा हो गया। अब इस झगड़े का निपटारा करना था। अब ये बुद्धिजीवी लोगों का झगड़ा बड़ा विचित्र होता है, जब तक निपटारा ना हो तब तक उनको चैन नहीं मिलता। सामान्य लोगों का झगड़ा तो हुआ और मिट गया, ये बुद्धिवादी लोगों का झगड़ा बड़ा विचित्र है। तो मुझे नींद ही नहीं आई, जितने दिन कॉन्फ्रेंस में रहा कुल बुलाता रहा कि इससे पूछो कि इसका देश क्यों महान और मैं बताऊं कि मेरा देश क्यों महान। तो दोनों ने मिलके एक फैसला किया कि चलो ठीक है आपस में बात करेंगे, तुम सवाल पूछो मैं सवाल पूछूं, और जिसके सवाल में उत्तर ज्यादा से ज्यादा ना आएगा नहीं उसी का देश हारेगा, और जिसके सवालों का जवाब ज्यादा से ज्यादा हाँ आएगा वही जीतेगा, उसी का देश महान। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब हमने अपने अपने सवाल फ्रेम किए, तो वो जर्मन प्रोफेसर ने पहले मुझे कहा कि तुम पूछो मुझसे पहले। तो मैंने कहा चलो पूछता हूं। तो सबसे पहला सवाल मैंने उससे पूछा, तुम्हारे देश में गन्ना होता है? तो उसने कहा नहीं होता, क्योंकि मुझे उसे हराना था ना, तो ऐसे सवाल पूछने थे जिनका उत्तर नहीं आए। मालूम तो मुझे भी है कि जर्मनी में गन्ना नहीं होता। तो मैंने कहा तुम्हारे देश में गन्ना होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में केला होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में संतरा होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा तुम्हारे देश में अंगूर होता है? उसने कहा नहीं होता। फिर तुम्हारे देश में लीची होती है? उसने कहा नहीं होती। और ऐसे ऐसे सवाल पूछ के वो परेशान हो गया, बौखला गया, क्योंकि बार बार उत्तर नहीं नहीं नहीं। तो थोड़ी देर में कहता मिस्टर राजीव दीक्षित मेरे देश में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा चलो अब आगे बताओ, तुम्हारे देश में पालक होता है? पालक, अब पालक तो मीठा नहीं है ना। तो मैंने कहा पालक होता? उसने कहा नहीं होता। फिर मैंने कहा मेथी होती है? मेथी, उसने कहा नहीं होती। मैंने कहा सरसों होती है? सरसों, उसने कहा नहीं होती। फिर मैंने कहा अजवाइन होती है? उसने कहा नहीं होती। फिर थोड़ी देर में बौखला गया। फिर उसने पता है क्या कहा, मिस्टर राजीव दीक्षित हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती, अब आगे पूछो। अब मैंने देख लिया कि ये पस्त हो गया। अब मैंने कहा मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, तुमने बताई दिया कि तुम्हारे देश में कुछ नहीं होता, अब तुम ये बता दो कि होता क्या है। नहीं होता तो ये सब है, होता क्या क्या है?
उसने कहा एक तो मेरे देश में आलू होता है और दूसरी प्याज होती है, आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो, ये दो ही हमारे पास विकल्प है। मैंने कहा फिर ये जो इतना सब जर्मनी के बाजारों में सजा हुआ दिखाई देता है माल, ये कहां से आता है? तो वो कहता ये तो सब भारत से आता है। मैं पूछा केला कहां से आता है? कहने लगा केरल से आता है, भारत में केरल से आता है। फिर मैं पूछा अंगूर कहां से आता है? भारत में नासिक से आता है। फिर मैंने पूछा ये गन्ना का रस मिलता है टिन पैक, ये कहां से आता है? ये कई जगह से भारत में से आता है। मैंने कहा कौन महान है? फिर भी माना नहीं। कहने लगा मुझे भी प्रश्न पूछने हैं। मैंने कहा पूछ ले भाई, अब तू भी पूछ ले। तो उसने क्या किया, वो फंस गया। फंस क्या गया? मेरे ही सवाल मुझसे पूछने शुरू कर दिए उसने, बौखला गया शायद, और या कोई सवाल समझ में नहीं आए होंगे। उसने उल्टा पूछा भारत में गन्ना होता है? मैंने कहा भैया भारत में उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम शायद ही ऐसा कोई गांव मिले जहां गन्ना नहीं होता, सब जगह होता है। फिर कहने लगा भारत में केला होता है? मैंने कहा हाँ भैया हजारों किस्म का केला होता है, पीला केला होता है, हरा केला होता है, लाल केला होता है, पतला केला होता है, मोटा केला होता है, केले की कुछ कमी है क्या, इतनी वैरायटी। फिर कहने लगा आम होता है? मैंने कहा हाँ बहुत आम होता है, दिल्ली से लेके हरिद्वार की दूरी मुश्किल से 250 किलोमीटर है, इतनी दूरी में 500 प्रजातियों का आम होता है, दशहरी अलग होता है, फजला अलग होता है, लंगड़ा अलग होता है, चौसा अलग होता है। मैंने कहा तुमने तो एक क्वालिटी का आम देखा खाया, हम तो 500 जाति के आमों के बीच में रहते हैं। कहने लगा अच्छा? मैंने कहा हाँ। फिर पूछने लगा कि तुम्हारे देश में क्या क्या? मैंने कहा ऐसी कोई चीज तुम बताओ जो हमारे यहाँ नहीं होती, सब होता है। उसको भरोसा नहीं हुआ, उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा अच्छा हमारा फैसला तो बाद में होगा, ये झूठ है या सच है, तुम भारत आ जाओ, आने जाने के टिकट की व्यवस्था मैं कराता हूँ, भारत में आके देखो। आ गया वो भारत, और मैंने उसको 2-4 गांवों में भेजा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उसको कहा डायरी लेके जाना, पेन लेके जाना, और हर गांव में जाकर ये नोट करना कि इस गांव में क्या क्या होता है, गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, लिस्ट बनाओ एक एक गांव में क्या क्या होता। वो लिटरली गया, 4 महीने भारत में घूमा, उसने लिस्ट बनाई, अंत में उसने कहा कि भारत में सामान्य रूप से एक एक गांव में 2000 तक चीजें होती हैं, 2000 वस्तुएं पैदा होती। तब मैंने कहा अब बताओ किसका देश महान, तो उसने कहा तुम्हारा देश महान। अब जब वो गया ना, तो मैंने उसके साथ एक मजाक किया, मैंने कहा आप बोलो क्या इरादा है, तो उसने कहा भारत में रहना चाहता हूँ। मैंने कहा भारत सरकार से परमिशन ले लो, तो उसने कहा परमिशन तो लूंगा लेकिन ईश्वर से लूंगा, सरकार से नहीं लूंगा। मैं पूछा वो क्या, तो उसने कहा जीसस से कहूंगा, गॉड से कहूंगा कि मुझे अगला जन्म भारत में दे। तब मैंने दूसरा मजाक किया, मैंने कहा तुम्हारा जीसस तो पुनर्जन्म में मानता ही नहीं है, आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म नहीं है, पूर्व जन्म भी नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा जीसस तो मानता ही नहीं पुनर्जन्म में, अब कैसे? तो उसने कहा फिर तुम बताओ। मैंने कहा धर्म बदल लो और हिंदू हो जाओ, फिर मैं गारंटी देता हूं कि हमारा भगवान तुमको बार बार जन्म देगा और इसी जमीन पे देगा। तो उसने कहा मैं सोचूंगा, फिर वो चला गया। मतलब इस पूरी कहानी से मैं समझाना चाहता था वो ये कि भारत के एक एक गांव में हजारों चीजें पैदा होती हैं, फिर इस देश में गरीबी क्यों? अब हमारे देश में गांव में खेती में इतनी तरह की चीजें पैदा होती हैं, इसलिए उद्योग भी है इस देश में। आप सुन के आश्चर्य करेंगे, 5 करोड़ 80 लाख उद्योग चलते हैं इस देश में। सबसे छोटे उद्योग जिनको स्मॉल स्केल कहते हैं, फिर मझोले उद्योग, फिर बड़े उद्योग, सब मिलाकर 5 करोड़ 80 लाख इतने उद्योग चलते हैं। फिर व्यापार है, और व्यापार भी सरकार कहती है लाखों करोड़ों रुपए का है, सामान्य नहीं है। तो लाखों करोड़ों का व्यापार, करोड़ों करोड़ों उद्योग, और खेत में इतना सारा पैदा हो इस देश में, तो फिर ये देश गरीब क्यों?
ये समझने की बात है। और एक दूसरा देश स्विट्जरलैंड, जहां कोई उद्योग नहीं, कोई व्यापार नहीं, और वो दुनिया का सबसे अमीर देश। तो इस खोज पर हम लोग निकले हैं कि भारत सारे वैभव के बाद भी दुनिया का सबसे गरीब देश क्यों है। भगवान का दिया हुआ इतना वैभव है इस देश में, हम खेत में गेहूं का एक दाना डालते हैं और उसमें से 125 दाने पैदा हो जाते हैं। इतनी अच्छी मिट्टी दुनिया में शायद ही कहीं है। हम एक बाजरा डालते हैं और हजारों बाजरे के दाने पैदा हो जाते हैं। हम एक मकई डालते हैं दाने के रूप में, सैकड़ों मकई के दाने पैदा हो जाते हैं। इतनी अच्छी मिट्टी तो कहीं नहीं। और इतनी अच्छी जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में पता है दुनिया भर के विशेषज्ञ क्या कहते हैं? मैं दुनिया भर के विशेषज्ञों से मिलता रहता हूं तो अक्सर एक मजाक चलती है हम लोगों में, वो ये कि अमेरिका और कनाडा और यूरोप के देशों में 2 या 3 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, भारत अकेला ऐसा देश है जिसमें 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 16 हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सब तरह की जलवायु इस देश में मिलती है। भयंकर गर्मी वाली जलवायु देखनी हो तो इस देश में है, भयंकर रेगिस्तानी जलवायु देखनी हो तो इस देश में है, भयंकर बारिश वाली जलवायु देखनी हो तो इस देश में है, भयंकर कीचड़ वाला इलाका देखना हो तो इस देश में है, सूखी हवा का क्षेत्र देखना हो तो इस देश में है, गीली हवा का क्षेत्र देखना हो तो इस देश में है। सारी दुनिया में जो क्लाइमेटिक जोन्स नहीं है वो हमारे पास है, 16 क्लाइमेटिक जोन्स। और इतने मेहनती लोग इस देश में कि सवेरे 6 बजे से खेत में काम करना शुरू करें तो 12-1 बजे ही पीठ सीधी करता है देश का किसान, हल जोतते जोतते जब उसको खाना खाना होता है, और फिर हल जोतने में लग जाता है, शाम 6 बजे तक जोतता रहता है। इतने मेहनती लोग दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे देश के लोगों की मेहनत पता है क्या है? विद मूवमेंट मेहनत है। दुनिया के दूसरे देशों में मैंने देखा है लोग मेहनत करते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं होता शरीर में। मैंने अमेरिका के कारखानों में देखा कि लोग सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करते हैं 12 घंटे, लेकिन एक ही जगह पर खड़े खड़े या एक ही जगह पर बैठे बैठे। भारत के लोग तो एक ही जगह खड़े खड़े बैठे बैठे काम नहीं करते, मीलों चलते हैं रोज अपने दोनों पांव से। आप में तो मैं देख रहा हूं कि कई किसान भाई बैठे हैं, 1 एकड़ 1 किल्ला खेत को जोतना पड़ता है तो कितने किलोमीटर चलना पड़ता है। इतने मेहनती लोग इस देश। ट्रैक्टर की खेती अभी पूरा देश नहीं करता, बहुत थोड़े से किसान हैं जो ट्रैक्टर चलाते हैं। अभी भी ज्यादा किसान तो इस देश में बैल जोड़ी से ही हल जोतते हैं, और हल जोतने में जितनी मेहनत है शायद ही किसी काम में। तो इतने मेहनती लोग, इतनी अच्छी मिट्टी, इतनी अच्छी जलवायु, खेती इस देश की रत्नगर्भा वसुंधरा, जो एक दाना डालो सैकड़ों पैदा करे। और मैंने तो देखा कि इस देश में कितना वैभव है, जमीन के ऊपर इतना सब होता है, जमीन के नीचे भी बहुत कुछ होता है इस देश। भारत दुनिया का अकेला देश है जहां जमीन के नीचे खुदाई करें तो 90 तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं। यहाँ कोयला मिलता है, यहाँ तांबा मिलता है, यहाँ लोहा मिलता है, यहाँ पे जिंक मिलता है, यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। 90 तरह के खनिज पदार्थ इस जमीन के नीचे है। और इतना बड़ा भंडार है, अभी हमारे देश में कोयले की जिस गति से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी गति से इस्तेमाल करते रहे तो 350 साल तक कोयला खत्म नहीं होने वाला। जिस गति से हम जो है लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं और खदानें खोद रहे हैं, इसी गति से लोहे की खदानें खोदती रहे 280 साल तक लोहा खत्म होने वाला नहीं। इसी तरीके से तांबे को जिस तरह से हम निकाल रहे हैं और ये तांबे को इस्तेमाल करते रहे 400 साल तक तांबा खत्म होने वाला नहीं, बॉक्साइट खत्म होने वाला नहीं। भगवान ने इतना हमारी जमीन के नीचे दे रखा है। जमीन के ऊपर भी है, जमीन के नीचे भी है। जमीन के ऊपर हमारे देश में बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वतमालाएं हैं, हिमालय की बड़ी पर्वतमाला है, फिर दक्षिण भारत में गंधमार्दन की बड़ी पर्वतमाला है, सतपुड़ा की बड़ी पर्वतमाला है, हजारों किस्म की जड़ी बूटियां इन पर्वतों पर हैं। अभी तक जिन जड़ी बूटियों की भारत सरकार ने लिस्ट बना ली है वो 8400 से ज्यादा है, और जिन जड़ी बूटियों की लिस्ट बनना अभी बाकी है वो 84,000 है। इतना बेशकीमती भंडार प्रकृति का दिया हमारे देश।
जंगल है इस देश में जो भरपूर उत्पादन के केंद्र है, खूब सारे फल और खूब सारी लकड़ियां हमें जंगल से मिलती रहती है। तो क्या नहीं है इस देश में, जंगलों में देखो, खदानों में देखो, खेतों में देखो, हमारे देश के लोगों की मेहनत में देखो, हर तरह से धन धान्य से भरा पूरा देश, फिर ये गरीब क्यों है? ये गंभीर प्रश्न है। भगवान ने तो हमें गरीब नहीं बनाया, अगर भगवान हमको गरीब बनाता तो इस देश का मौसम वैसा ही देता जैसे यूरोप में है, भयंकर ठंड, ठंड और भयंकर ठंड। हमको ऐसा मौसम नहीं दिया भगवान, भला हो भगवान का जिसने ये हिमालय पर्वत दे दिया हमको। अगर ये नहीं होता तो भारत में भी साल में 8 महीने ठंड ही ठंड होती और बर्फ जमी रहती। तो भगवान ने तो बहुत सोच विचार कर इस देश को बनाया, इतना धन धान्य से भरपूर, प्रकृति की सारी कृपा इस देश पर है। बहुत दिन मैं ये सोचता रहा कि ये सारा धन धान्य का भंडार इस देश में प्रकृति का जो है ये किस कारण से है और दूसरे देशों में ये क्यों नहीं है। तो इसका एक उत्तर मिला कि भारत में ये सारा धन धान्य इसलिए है कि भारत देश में सूरज भगवान की सबसे बड़ी कृपा है इस देश पर। सूर्य सबसे ज्यादा इस देश में है, सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा इस देश में है और जिन देशों में कुछ नहीं है उन देशों में दिखाई देता है सूर्य का प्रकाश नहीं है। यूरोप और अमेरिका के देशों में पता है कभी कभी संडे होता है। संडे माने छुट्टी नहीं, संडे माने सूरज का दिन। हाँ, 8 महीने तो भयंकर बर्फ पड़ती है तो संडे होता ही नहीं, 4 महीने में कभी कभी संडे होता है। मुझे वो दिन याद है जब मैं परम पूजनीय स्वामी जी के साथ लंदन गया, ग्लासगो गया, तो वहां हमको एक अंग्रेज मिला और उसी दिन सूरज निकला था। ये संयोग की बात, स्वामी जी के चरण पड़े उस जमीन पर और सूरज निकला बहुत तेज। तो उस अंग्रेज ने कहा कि आप बहुत लकी हैं कि आपको ये सूर्य दिखाई दे रहा है। मैं पूछा क्या हुआ, उसने कहा कई दिनों से सूरज नहीं निकला, अभी निकला है। तो वहां कभी कभी संडे होता है और भारत में एवरीडे संडे, यहां हर दिन सूरज का दिन है। आज सूरज निकला, कल निकलेगा, परसों निकलेगा, करोड़ों साल पहले निकला, करोड़ों साल बाद निकलेगा। इस देश पर सूरज की सबसे असीम कृपा है। ये सूरज की धूप हमको जो मिली है ना, इसी ने सारा वैभव बनाया है। ये खेतों में जो अच्छा उत्पादन होता है ये सब सूर्य के प्रकाश का कमाल है। ये जमीन के नीचे जो 90 किस्म के खनिज पदार्थ हैं ये सूर्य के प्रकाश का कमाल है। ये हमारी जमीन में हम एक दाना डालें और हजारों दाने पैदा हो जाएं, ये सूरज के प्रकाश का कमाल है। आपने बचपन में पढ़ा होगा एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, भोजन बनाते हैं, वो भोजन कुछ अपने लिए रखते हैं, कुछ मिट्टी को दे जाते हैं, उसी से सारी दुनिया चलती है। तो ये क्रिया तो वहीं होती है जहां सूरज होता है और यहाँ तो भरपूर सूरज है। तब समझ में आया कि भगवान ने देश को सूर्य दिया है और सूर्य ने इस देश पर इतनी कृपा की है, उसके कारण ये देश धन धान्य से भरपूर है। फिर इस देश में गरीबी क्यों होनी चाहिए, ये गंभीर प्रश्न है। फिर इस प्रश्न को हमने खोजना शुरू किया और खोजते 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 हमें कुछ रास्ता दिखा या कुछ जानकारियां मिली और उससे पता चला कि हमारी गरीबी का कारण क्या है। मैंने कहा भगवान ने हमको गरीब नहीं बनाया लेकिन फिर भी गरीबी है हमारे यहाँ, इसका कोई तो कारण होगा। तो ढूंढना शुरू किया तो पता चला गरीबी का ऐतिहासिक कारण है, कोई धार्मिक कारण नहीं है, कोई प्राकृतिक कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक कारण है भारत की गरीबी का। इतिहास ने हमको गरीब बना दिया, वैसे हम गरीब नहीं थे। भारत के इतिहास में कैसे भारत को गरीब बना दिया, एक कहानी शुरू करता हूं, अब मेरा व्याख्यान शुरू हो रहा है, अब तक मैं भूमिका बना रहा था। एक अंग्रेज आया इस देश में, एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था थॉमस बेब मैकॉले, टीबी मैकॉले। आपने सुना होगा मैकॉले मैकॉले मैकॉले, उसका पूरा नाम था थॉमस बेब मैकॉले। भारत आया सन 1834 में।
आज से लगभग 125 साल पहले, जिस समय ये मैकॉले भारत में आया, उस समय अंग्रेजों का जो राज्य चलाने वाला प्रमुख अधिकारी था, जिसको हम भारत में दो नामों से जानते हैं, गवर्नर जनरल और वॉयसराय। अंग्रेजों का सबसे उच्च अधिकारी होता था, उसको कुछ दिनों तक गवर्नर जनरल कहते थे और कुछ दिनों तक उसको वॉयसराय कहा जाता था। तो ये जो अधिकारी था उसका नाम था विलियम बेंटिंक। जिस समय मैकॉले भारत में आया तो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक की जो काउंसिल थी, काउंसिल माने मंत्री पद, मंत्रालय उसका, उसके मंत्री परिषद में मैकॉले को सलाहकार नियुक्त किया गया था। मतलब ये था कि विलियम बेंटिंक कोई भी फैसला लेगा तो मैकॉले से पूछ कर लेगा, और विलियम बेंटिंक को किसी फैसला करने में मैकॉले की सलाह लेनी पड़ेगी। मैकॉले की नियुक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं, ब्रिटेन की संसद ने उसकी नियुक्ति की थी, भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल का एडवाइजर बनाया था। उस हैसियत में वो भारत आया और भारत आके घूमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे भारत में घूमा। घूमने के बाद उसने एक स्टेटमेंट किया और वो स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। वो स्टेटमेंट उसने पार्लियामेंट में भी किया, अंग्रेजों के अधिकारियों की मीटिंगों में बार बार कहा, उसने वो अपने पत्र में लिखा, अपनी डायरी में लिखा, अपनी किताब में भी लिखा। वो स्टेटमेंट क्या है, 2 फरवरी 1835 को मैकॉले कह रहा है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, मैंने भारत का सारा इलाका देख लिया। लेंथ एंड ब्रेथ का माने वो एक मुहावरा है अंग्रेजी का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मैंने सारा भारत देख लिया। आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया बट आई हैव नेवर सीन ए पर्सन हु इज ए बैगर एंड हु इज ए थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता मैंने एक आदमी भी भारत में नहीं देखा जो भिखारी हो और चोर हो। कुछ अंग्रेज उससे पूछते हैं कि ये क्या कहा तुमने भारत के बारे में, तो कहता है कि जो मैंने कहा है उस पर मैं टिकूंगा, मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास दस्तावेज है, भारत में एक भी आदमी को मैंने भिखारी और चोर नहीं देखा। तो क्यों, तो कहता है भारत का हर व्यक्ति इतना धन संपन्न है तो उसको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, और हर व्यक्ति इतना धन संपन्न है कि उसको किसी की चोरी करने की जरूरत नहीं। कोई भी जब चोरी करता है तो अभाव में करता है, और कोई भी किसी से भीख मांगता है तो अभाव में ही मांगता है। वो कहता भारत का एक व्यक्ति भी अभाव में नहीं रहता, इतना धन इतना पैसा इस देश में है। फिर उस स्टेटमेंट में वो आगे कहता है कि मैं भारत में कई घरों में गया हूं और मैंने देखा है कि एक एक घर में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर होता है। ये कह रहा है, घरों में सोने के सिक्कों का ढेर रहता है। फिर वो कहता है कि मैंने जब भी भारत के किसी भी घर में जाकर पूछा कि आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं, तो हर आदमी ने मुझे जवाब दिया कि गिने नहीं, गिनी चीजें वो जाती हैं जो कम होती हैं, जो चीजें जरूरत से ज्यादा होती हैं वो गिनी नहीं जाती। मैं आपके घर में आऊं और पूछूं कि कितने गेहूं के दाने आपके घर में हैं, तो आप हंसेंगे ना, आप कहेंगे कितने क्विंटल गेहूं है ऐसे पूछो। तो मैकॉले ने जब जब किसी को ये पूछा कि कितने सोने के सिक्के आपके घर में हैं, तो हर आदमी ने उसकी हंसी उड़ाई और उसको कहा कि कितना किलो सोना है ऐसे पूछो, 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो 200 किलो। वो कहता घर घर में किलो किलो में सोना है, वो कहता कई घरों में तो क्विंटल में सोना है, कई घरों में मीट्रिक टन में सोना है, इतना सोना है इस देश में। जब ये बात उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा मच गया, और हंगामा ये मचा कि भारत के लोगों के पास अगर इतना सोना है तो ये आया कहां से। इस बात का हंगामा था।
भारत ने दुनिया के किस किस देश को लूटा है जहां से ये सोना आया, तो उन्होंने भारत की हिस्ट्री पे अध्ययन करना शुरू किया। उसमें से निकला कि भारत ने कभी किसी देश को नहीं लूटा, और यही सच्चाई है, हमने कभी किसी देश को नहीं लूटा। हमने दूसरे देशों पर विजय प्राप्त की है, लेकिन लूटा किसी को नहीं है। जीता है युद्ध, लूटा नहीं है किसी को। लूटना हमारे भारत की परंपरा नहीं है। एक कहानी तो आप सभी जानते हैं, भगवान श्री राम ने सोने की लंका पर विजय प्राप्त की, लेकिन सोने की लंका को लूटा नहीं। रावण को मारा, विभीषण को राजा बनाया, और विभीषण जब राजा बना तो उसके पहले श्री राम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा है और कह रहा है कि ये तो मेरा नहीं है, ये तो सब आपका है, आप जैसे चाहो वैसे मैं करूं। तो लक्ष्मण को तो लालच आ गया एक बार, उन्होंने कहा कि ले लो भैया कुछ सोना, अयोध्या का भला हो जाएगा। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, हमारी परंपरा नहीं है लूटने की, हम एक ग्राम भी सोना यहां से नहीं ले जा सकते। तब लक्ष्मण ने कहा कि अपनी अयोध्या तो कुछ गरीबी में है, तो राम ने जवाब दिया, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो भले गरीब है लेकिन हमारी जन्मभूमि है, लौटना हमको खाली हाथ ही है, लूटना नहीं है। अगर श्री राम चाहते तो लक्ष्मण को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाते और लक्ष्मण की मदद से पूरी श्रीलंका का सोना अयोध्या में ले आते, क्या मुश्किल थी। लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि भारत की परंपरा नहीं है। और श्री राम की कहानी तो मैंने इसलिए सुनाई कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, वरना तो इस देश में ऐसे सैकड़ों चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिन्होंने दूसरे देशों को जीता लेकिन लूटा किसी को नहीं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की कहानी, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कहानी, चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन की कहानी, चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त की कहानी, ये सब कहानियां हमारे सामने हैं। इन्होंने बीसियों युद्ध जीते हैं, लूटा किसी देश को नहीं, लूटना हमारी परंपरा नहीं है, तो हमने कभी लूटा नहीं। फिर भी दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इस देश में कैसे आया, हर घर में सोने के सिक्के कहां से आए। तब इस पर खोजना शुरू किया तो पता चला कि 3000 वर्षों तक भारत ने दुनिया के देशों से व्यापार किया, और 3000 वर्षों तक इस देश ने दुनिया के देशों को वो सामान बनाकर दिया जो कोई नहीं बनाता था। उस समय के व्यापार में हमारी मोनोपोली थी और एक्सपोर्ट में हम दुनिया में सबसे आगे रहते थे। दुनिया का कुल बाजार जितना था उसमें 33% एक्सपोर्ट अकेले भारत का था, पूरे बाजार। और हम इंपोर्ट एक चीज का भी नहीं करते थे, सब हम निर्यात करते थे, बेचते थे, खरीदते कुछ नहीं थे, क्योंकि खरीदे हम ऐसी जरूरत हमको नहीं थी, क्योंकि हर चीज इस देश में बनती थी। हम निर्यात क्या करते थे, दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा हम निर्यात करते थे, सबसे बेहतरीन कपड़ा। आपको मालूम है इस देश में ढाका में मलमल बनती थी, इस देश में सूरत में मलमल बनती थी, इस देश में मालवा में मलमल बनती थी। मलमल एक खास तरह का कपड़ा होता है, वो कपड़ा इतना बेहतरीन बनाया जाता है कि कपड़े का 15 मीटर लंबा थान तह करते जाओ तह करते जाओ तह करते जाओ तो माचिस की एक डिब्बी में आ जाता है, 15 मीटर का थान। इस क्वालिटी की हम कपड़े में बुनाई करते थे, और ये सारी बुनाई हाथ से होती थी, मशीनें नहीं थी। ये क्वालिटी का कपड़ा हम बनाते थे। आपने कई बार सुना होगा कि भारत के मलमल का कपड़ा 15 मीटर लंबा, एक अंगूठी में से खींच के निकालो तो पूरा थान पार हो जाता। इस क्वालिटी का कपड़ा बनाते, और ये कपड़ा दुनिया के 56 देशों के बाजारों में बिकता था। सबसे ज्यादा ये कपड़ा बिकता था यूरोप में, फिर बिकता था अफ्रीका में, फिर बिकता था लैटिन अमेरिका में। और हमारा जब कपड़ा बिकता था ना बाजारों में दुनिया में, तो उसके प्रमाण है मेरे पास कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पलड़े में रखा जाता था और उसके वजन के बराबर सोना दूसरे पलड़े में रखा जाता था। वजन के बराबर सोना हमें मिलता था कपड़ा बेचने पर।
हमने 3000 साल दुनिया को कपड़ा पहनाया और उसके बदले में सोना कमाया, सोना लूटा नहीं, अपनी मेहनत से सोना हमने कमाया। यूरोप के इतिहास को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो रोम साम्राज्य वहां सबसे पुराना साम्राज्य रहा। रोमन एम्पायर में पहले राजा से लेकर आखिरी राजा तक सबने भारत का ही कपड़ा पहना। रोमन एम्पायर की जो रानियां होती थी वो सब भारत के कपड़े पहनती थी। अंग्रेजों के राजा रानी भी भारत का कपड़ा पहनते थे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक बार अंग्रेजों के राजा के बारे में लंदन की पार्लियामेंट में बहस हुई और बहस इस बात की हुई कि अंग्रेजों का राजा भारत का कपड़ा पहनता है, उसकी पत्नी भारत का कपड़ा पहनती है, तो हम भारत को गुलाम कैसे बनाए। मैंने हमारे कपड़े पहनकर ये लोग रहते थे, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कपड़ा नहीं होता था। कपड़ा क्यों नहीं होता था? क्योंकि कपास नहीं होती थी। कपास क्यों नहीं होती? क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी नहीं जो कपास कर सके। तो जब सारी दुनिया कपड़ों से मरहूम थी, नंगी थी, तब हम कपड़ा बनाते थे और दुनिया को कपड़ा पहनाते थे, उसमें हमने सोना कमाया। फिर कपड़ा अकेला नहीं था, हम लोहा बेचते थे दुनिया में, स्टील बेचते थे। स्टील बनाने की परंपरा सबसे पुरानी भारत में है। आपको सुनकर ये गर्व होगा कि सारी दुनिया को स्टील बनाना भारत ने सिखाया। कच्चा लोहा, उससे स्टील कैसे बनाया जाता है, ये टेक्नोलॉजी दुनिया को भारत ने दी और स्टील दिया बनाकर। भारत के स्टील से ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज बना करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो भारत के स्टील से जब जहाज बनाते थे तो वो जहाज 70 से 80 साल चलता था। और वो ये कहते हैं कि किसी दूसरे देश के स्टील से जहाज बनाओ तो 15 साल में ही खराब हो जाता है। इस क्वालिटी का स्टील हम बनाते थे। भारत के स्टील की विशेषता पता है क्या थी? जंग नहीं लगता था उसमें, ये विशेषता थी। ऐसा स्टील दुनिया में हमने बनाया, जंग नहीं लगता था, और उसके प्रमाण अभी तक मौजूद हैं। दिल्ली के पास मेहरौली नाम के गांव में चले जाइए, एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है जिसमें जंग नहीं लगा, सैकड़ों साल से है वो। मैं अभी अभी कासगंज गया था भारत स्वाभिमान की एक सभा में। कासगंज में मैंने एक महादेव का मंदिर देखा जिसमें 500 साल पुराना घंटा लटका हुआ है जिसमें जंग नहीं लगा है अभी तक। इस क्वालिटी का स्टील हम। दक्षिण भारत में लौह स्तंभ है जिनमें जंग नहीं लगा। ये स्टील हमने बनाया और बेचा और उसके बदले में सोना कमाया। लोहा बेचकर हमने सोना कमाया, कपड़ा बेचकर हमने सोना कमाया। हम ईंट बेचते थे दुनिया में। ककैया ईंट होती है जो बहुत पतली होती है और उसकी ईंट की स्ट्रेंथ 1000 साल होती है। उस ईंट से बने हुए मकान 1000 साल तक नहीं टूटते। भारत के राजा महाराजाओं के जो किले बने हुए हैं ना, वो पतली ईंट के हैं, अभी भी सुरक्षित है। और ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए एक मटेरियल हम बनाते थे, चूना। अभी तो बनता है सीमेंट, पहले बनता था चूना। चूने और सीमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। सीमेंट अच्छे से अच्छा आप लगाओ मकान की दीवार में, 2-3 दिन में ही क्रैक आ जाएगा। और चूना खराब से खराब लगाओ, 100 साल तक क्रैक नहीं आएगा। दीवार टूट सकती है, क्रैक नहीं आएगा। इस क्वालिटी का चूना बनाते थे। हमारे तो कई किले अभी भी हैं जिनको आप देख सकते हो। जयपुर के पास आमेर नाम का एक छोटा सा शहर है, आमेर का किला देखने जाओ तो चूने की जो दीवारें हैं ना, वो शीशे की तरह से चमकती है। इस क्वालिटी का चूना है। ये चूना हम एक्सपोर्ट करते थे, ईंट एक्सपोर्ट करते थे, हम लोहा एक्सपोर्ट करते थे, हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे, मसाले एक्सपोर्ट होते थे, खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट होती थी। ऐसे सैकड़ों चीजों को हमने निर्यात किया और बदले में सोना कमाया। 3000 साल हम ये करते रहे, इसलिए इतना सोना आया इस देश में कि ये देश सोने की चिड़िया नाम से सारी दुनिया में विख्यात हो गया। तब मैकॉले कह रहा है, आई हैव नेवर सीन ए पर्सन हु इज ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। और वो कहता है, घर घर में मैं घुसा तो सोने के सिक्कों का ढेर ऐसा है। इतना धन धान्य संपन्नता वाला देश गरीब कैसे हुआ? गरीबी आई तब जब अंग्रेजों ने ये धन देखा, संपत्ति देखी और उनको लालच आया और उन्होंने इस देश को लूटना शुरू किया, तब गरीबी आना शुरू हुई।
अंग्रेजों ने भारत के धन संपत्ति की लूट 16वीं शताब्दी से की थी, और वो कैसे की थी, भारत के पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए, और ये हमारे जहाज अफ्रीका तक जाते थे। अफ्रीका जाने के लिए बीच में लंदन से गुजरना पड़ता है, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो समुद्र के किनारे है और अफ्रीका जाने वाले रास्ते पर है, तो भारत के जितने पानी के जहाज जाते थे उन सबको लंदन के नजदीक से गुजरना पड़ता था, और अंग्रेज उन पानी के जहाजों को लूटा करते थे 16वीं शताब्दी। उन पानी के जहाजों को लूटने के लिए छोटे छोटे समूह बनाए थे उन्होंने, ग्रुप बनाए थे, लुटेरे समूह थे उनके, गुंडे बदमाशों के समूह उन्होंने बनाए थे, और भारत से गए हुए पानी के जहाजों को जब वो लूटा करते थे तो बहुत संपत्ति मिलती थी उनको। तो ये लुटेरे समूह जो हुआ करते थे इंग्लैंड में, इन लोगों ने आपस में एक फैसला किया कि भारत से आने वाले पानी के जहाजों पर अगर इतना धन और संपत्ति है तो हम भारत में ही क्यों ना चलें लूटने के लिए, जहां पर ये खजाना है सारा का सारा। तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई इस काम के लिए, और कंपनी का नाम भी रखा ईस्ट इंडिया। दोनों ही ये नॉन इंग्लिश शब्द हैं, अंग्रेजों को ये नाम रखने की जरूरत नहीं थी, वो कंपनी का नाम रखते तो कोई अंग्रेज नाम रखते, इंडिया नाम क्यों रखा और ईस्ट क्यों रखा, पूरब की तरफ आना था उनको इसके लिए, और इंडिया रखा क्योंकि भारत ही आना था उनको। और ये कंपनी जब बनी 1599 में, तो इस कंपनी की इनिशियल पेड अप कैपिटल शून्य थी, जीरो थी, ऐसी अद्भुत कंपनी बनी जिसका इनिशियल पेड अप कैपिटल ही नहीं था कुछ। और इस कंपनी को बना के जब अंग्रेजों के राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो राजा से कहा गया कि आप इसको लाइसेंस दो कंपनी को, हम भारत जाके लूट करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि लूट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो इन्होंने कहा कंपनी वालों ने कि कुछ हिस्सा हम आपको भी देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, तो राजा को भी लूट का हिस्सा मिलेगा, कंपनी वालों को भी फायदा होगा, इसके लिए उस कंपनी को लाइसेंस दिया गया और वो भारत में आए। अब भारत में आए तो उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया कि ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी है, हम ट्रेडिंग का क्या मतलब निकालते हैं, व्यापारी कंपनी। इंग्लैंड में ट्रेडिंग का मतलब कुछ और है। 16वीं शताब्दी की अंग्रेजी की डिक्शनरी मैंने ढूंढी तो उसमें पता चला ट्रेड का माने होता है प्लंडरिंग, प्लंडरिंग माने लूटमार। हम ट्रेड का मतलब समझते रहे व्यापार, अंग्रेजों के यहां 16वीं शताब्दी में ट्रेड का मतलब होता था लूटमार। तो वो कंपनी लूटमार करने वाली कंपनी थी, और भारत में घुसी तो हमने सोचा ये व्यापार करने वाली कंपनी है। इसी दुविधा में जहांगीर नाम के राजा ने लाइसेंस दे दिया उस कंपनी को, और उस कंपनी ने सूरत शहर में जाके अपना अड्डा जमाया और सूरत को लूटा, लूट कर धन मिला, वो धन से सेना बनाई, फिर और लूटा, फिर और धन मिला, फिर और सेना बनाई, फिर और लूटा, ऐसे करके लूट बढ़ती गई, सेना बड़ी होती गई। फिर एक दिन उनको लगा कि भारत में तो भरपूर धन मिल रहा है लूट का, क्यों ना यहाँ पर राज्य किया जाए, और फिर उन्होंने राज्य बनाकर लूटा। जब तक अंग्रेजों का राज्य नहीं बना था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही लूटा, जब राज्य उनका स्थापित हो गया तो उन्होंने कानून बनाकर इस देश को लूटा। एक तरीका होता है किसी के घर में घुस जाओ लूट के सब ले आओ, तो वो चिल्लाएगा कि मेरी लूट हो रही है। दूसरा तरीका होता है कि लूटने का कानून ही बना दो, तब कौन चिल्लाएगा, तब तो हर आदमी कहेगा लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, भले उसमें लूट हो आपकी। ये तरीके होते हैं लूटने के। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा देने वाले दो शब्द हैं लॉ एंड ऑर्डर, अंग्रेजों ने इन्हीं दोनों शब्दों का उपयोग किया, लॉ एंड ऑर्डर। आपकी कोई जेब काटे आप चिल्लाओगे जी मेरी क्यों जेब काट रहे हो, और जेब काटने का कानून बना दिया जाए आप क्या कर लोगे, और काटने वाला यही कहेगा जी मैं तो कानून का पालन कर रहा हूं, मैं तो पूरी ईमानदारी से कानून का पालन कर रहा हूं, यही कहेगा कि नहीं। तो वो पूरी ईमानदारी से कानून का पालन कर रहा है माने पूरी ताकत से लूट रहा है आपको, और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून है। तो अंग्रेजों ने 100 साल तक तो बिना कानून के लूटा, फिर कानून बनाकर लूटा इस देश को।
जब अंग्रेजों ने बिना कानून के इस देश को लूटा था, तब समय का एक उदाहरण बताता हूँ। एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का अंग्रेज था इस देश में। प्लासी का युद्ध लड़ा उसने 1757 में। वो सारी कहानी आप जानते हैं, इसलिए मैं रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन जो आप नहीं जानते वो बताना चाहता हूँ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सैनिकों की संख्या 350 थी और भारत जिसके खिलाफ ये युद्ध लड़ा जा रहा था उसके सैनिकों की संख्या 18,000 थी। अब कोई किसी से ये कहे